आदेश किए जाए, शीतकालीन वस्त्र को प्रकार चाकदार और घेरदार कैसे हुए, उनमें क्या क्या हुए वो देखेंगे। सर्वप्रथम सूथन, तो यह सूथन यहाँ नीचे सबके नीचे आत्मा सुखावेंगे प्रबोधिनी स्व भी, पर अभी मैं सिर्फ वस्त्र के प्रकार यहाँ ऊपर जो है वो सब बता रहे हूँ। तो पहले सूथन आवेगो, फिर या चोली, चोली या अवकाश है या सो पीछे जा सके और फोल्ड हो सके वैसी है, तो धरेंगे तब ऐसी दिखेगी, या सो वैसी है। फिर या दो बाह वस्त्र है, यह भी आपको थोड़े बड़े लगेंगे बट जब धरे तब ऐसे फोल्ड हो जाए, पूरा हस्त हो ऐसे तो ऐसे फोल्ड हो जाए, या सो आगे इतना ही दिखे बाकी को भाग पीछे जाए ऐसे, इस तरह से सिर्फ इतना ही भाग दिखे और पतलो। वैसे ही दो और भुजा वस्त्र है साइड के, वो भी बाह वस्त्र, ये भी ऐसे ही, और यहाँ फिर पहुँची और कड़ा आ जाए, या सुई ऐसे ही दिखे धरे तब, और यहाँ के ऊपर चाकदार। अभी कई घरन में सिर्फ ऐसे आवे दो छोर को, या जो नीचे की नोक है वो दो है, लाइक श्री जी में, मथुराधीश जी, विठ्ठल जी, सब में ऐसे ही आवे दो छोर के ही चाकदार। अभी हमारे द्वारकाधीश श्री कल्याण राय जी, वहाँ चार छोर के चाकदार आवे, तो या उस हिसाब से सिद्ध करें भय। चाकदार के ऊपर एक कटिपटका को प्रकार है, वो भी एक प्रश्न आयो हो दो कि चाकदार पर कटी पटकावे वो कैसे हुए, या पीछे से आवे मतलब कटी के पीछे से आवे, तो और फिर ऐसे धरे जाए। या चाकदार के ऊपर आने वाले कटी पटका, फिर यही के ऊपर अगर घेरदार होए तो घेरदार के ऊपर भी दो प्रकार के कटी पटका हैं। एक तो या कि सिर्फ एक छोर वाला पटका जो या तरफ को आवे वो, अभी ये थोड़ा छोटा है ऐसा अभी पूरा नहीं बता पा रहे हो, बट एक या आवे प्रकार पूरा कि एक छोटा पटका होए या प्रकार से। या प्रकार एक्चुअली पीछे से हुआ पर यह पटका भी छोटा है यार, तो ऐसे बताया मैंने। घेरदार के दो पटका हो गए, चाकदार के ऊपर कई सारे प्रकार के पटका आवे, पर अभी प्रयास करूँ हूँ मैं एक। एक तो जब किरीट धरे ना चाकदार के ऊपर तब ऐसे एक पटका आवे, जाको गाती के पटका भी बोले जाए या स्कंध के ऊपर ना भी बोले जाए, स्कंध के पटका। कंध के पटका या गाती के पटका बोल सको या को। फिर आवे अंतरवास के पटका, जो सेहरा या टिपारा के संग आवे, अगर कोई स्वरूप में अवकाश होए तो पूरा पीछे से भी ले जाए हैं, ऐसा पूरा पीछे आवे फिर वापस लपेट के आवे फिर ऊपर से वापस बाहर निकले ऐसा। अभी यहाँ में स्वरूप नहीं है या सो मैं बता नहीं पा रहा हूँ अलग सो। कई
स्वरूप में अवकाश नहीं हुए तो या प्रकार भी धर देखियो है कि आगे सुही यहाँ से पड़त छल एक पड़त छल के पीछे धर दे और फिर यहाँ सु भी यहाँ पड़त छल के पीछे ले जाए और फिर यहाँ से पूरा पटका खुल्लो छोड़ दे ऐसे, तो ये आगे से भी धरवे का एक प्रकार है। फिर यह स्वामिनी जी के साड़ी को प्रकार जो जरी के आवे वही प्रकार लालन के चीरा और या ओढ़नी किरण के साथ भी। मैंने पटका को प्रकार बताने को प्रयास किया, ऊपर सुने स्वरूप के है ऊपर भी करके बताएंगे। और हाँ मेन चीज़ कि यह स्वरूप के वस्त्र सब हैं तो या को रखवे कैसे, तो अगर यह ओढ़नी है या में बीच में साड़ी या चोली सूथन सब ऐसे पूरी जोड़ ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे रखवे की, तो जगह भी नहीं रोकेंगे और सब वस्त्र एक साथ रहेंगे। जिनके यहाँ ज़्यादा स्वरूप विराज रहे तो वे ऐसे प्रकार से कर सके, और अगर शक्य हो तो या को भी एक मलमल को वस्त्र छोटो रखवे को स्क्वायर, और बाकी अंदर फिर या को एक संपुट बना के रखवे को, या सो कोई बिगड़े नहीं या किरण वगैरह बिगड़े नहीं, वस्त्र वैसे के वैसे रहे। या सो श्री वल्लभादीश की जय।